हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल माड़ो। काफ़ी अरसे से हम स्पेस एंड साइंस पर वीडियोस बना रहे थे, तो हमने सोचा कि हमारा चैनल तो कोई टेक्निकल चैनल है, तो हमने काफ़ी टाइम से कोई टेक्निकल चीज़ शेयर ही नहीं करी है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि विंडोज़ को एक्टिवेट कैसे करते हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, या अगर आपके पास विंडोज़ 8 है या आप विंडोज़ 11 चला रहे हैं, तो ये जो ट्रिक है वो सारे के सारे विंडोज़ के ऊपर काम करेगी। देखें, जैसे बॉटम में ये एक्टिवेट विंडोज़ का लोगो आ रहा है, जो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, मतलब बार बार ये दिख रहा होता है। काफ़ी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं विंडोज़ की वो बंद होती हैं, वो काम नहीं करती है, और वहाँ पे वो एरर मैसेज आता है कि आपका विंडोज़ जो है वो एक्टिवेट नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि विंडोज़ को एक्टिवेट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम एक थर्ड पार्टी कोई क्रैक यूज़ करेंगे, जिसका नाम है KMS Pico। तो ये KMS Pico नाम से कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर एंड क्रैक्स बनाती है, विंडोज़ के या माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके क्रैक्स बनाती है। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे KMS Pico के थ्रू एक्टिवेट विंडोज या विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई भी विंडोज 7 से लेके 11 तक जो भी विंडोज है, या अगर आपकी विंडोज 12 आ रही है तो वो भी इसी चीज से एक्टिवेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिफेंडर है ना, तो हमने उसको डिसेबल करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डिफेंडर यहाँ पे हमने ऑफ क्यों करना है, उसका जो रियल टाइम जो चेक करता है वायरसेस को, उसको हम ऑफ क्यों करेंगे। तो उसको ऑफ करने का पहला रीजन ये है कि जो हम KMS Pico सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो कोई अनआइडेंटिफाइड वेंडर का है, मतलब वो ऑफिशियल वेंडर का नहीं है, वो अनआइडेंटिफाइड वेंडर का है। वो वायरस भी हो सकता है, वो आपका डाटा भी ले सकता है, वो कोई स्कैमर भी हो सकता है, कोई रैंसमवेयर भी हो सकता है। ये आप अपने रिस्क पे करेंगे, इसका रिस्क हम नहीं लेंगे, ये आप अपने रिस्क पर करेंगे। तो जैसे कि हमने विंडोज डिफेंडर का रियल टाइम जो है वो ऑफ कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा KMS Pico का फाइल है, जो जिप फाइल है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसका जो पासवर्ड है वो है 1234 5, और जैसे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो उसका एक सेटअप आता है, KMS Pico सेटअप। तो अब हम वो सेटअप रन करेंगे, और सेटअप जब रन हो रहा होगा तो उसी टाइम हमारा जो विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा सेम उसी टाइम पे, और कुछ उसकी फाइनलाइजेशन होती है। और जैसे ही आपका विंडोज एक्टिवेट हो जाए तो सबसे पहला जो काम है आपने वो क्या करना है, वो यही करना है कि आपने डिफेंडर, जो विंडोज डिफेंडर हमने ऑफ किया था, उसको ऑन करना है। बस यही एक सिंपल ट्रिक थी जो कि हम लेके आए आप लोगों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को पसंद करेंगे, और अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं हमारे चैनल पर, या आप स्पेस के वीडियोस चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं ज़्यादा, या ज़्यादा स्पेस के वीडियोस चाहते हैं।